हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा लो प्रेशर एरिया, आज 19 से 21 अगस्त तक होगी भारी बारिश। झारखंड में मानसून की बेरुखी खास तौर पर देखने को मिल रही है। राज्य भर में मानसून की गति एक बार फिर से धीमी हो गई है, जिस वजह से आम जनता को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर भी मायूसी झलक रही है। हालांकि झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में 19 अगस्त यानी आज से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। आज दोपहर बाद से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज 19, 20 और 21 अगस्त को राज्य भर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इस वजह से 19, 20 और 21 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। खनन लीज मामले में सुनवाई पूरी, अब इलेक्शन कमीशन करेगा फैसला। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से दाखिल किया है जवाब, अब नजरें इसी की तरफ। सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है। सीएम सोरेन और भाजपा की ओर से वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की है, साथ ही बहस की कॉपी बाकायदा लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। इस मामले में अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई की थी। संकट में हेमंत सोरेन सरकार, विधायकों को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत। सीएम करेंगे विधायक संघ बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई और बहस की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सत्ता पक्ष ने तैयारी आरम्भ कर दी है। कांग्रेस के सारे विधायकों को विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने निर्देश दिया है कि रांची से बाहर बगैर सूचना दिए नहीं जाएं। सूचना देकर बाहर जाने की स्थिति में बुलाने पर 4 घंटे के भीतर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। आलमगीर आलम ने बताया है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी विधायक की गतिविधियों को लेकर सतर्कता बरती है। दल के विधायकों को लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। 25 लाख की बैंक डकैती में मिला बड़ा सुराग, कैमरे में कैद हुए लुटेरे। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड में बैंक ऑफ इंडिया में 25 लाख की डकैती मामले में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। वारदात के बाद 5 लुटेरे बाइक में भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। एक बैग में लेकर बदमाश लूट की रकम लेकर भागते दिख रहे हैं। दूसरी बाइक पर सवार एक बदमाश का भागने के दौरान हेलमेट सड़क पर गिर गया। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि लोकल लिंक के आधार पर वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें जयराम पेशेवर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कल गुरुवार को जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया में 4 से 5 बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर रेड मारी और 25 लाख रुपए की लूट की है। कोडरमा बालगिरी से खिड़की की ग्रिल काटकर 3 बच्चे फरार, तलाश में जुटी पुलिस। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित बाल सुधार गृह में संरक्षित किए गए 3 बच्चे फरार हो गए हैं। बीती रात तीनों बच्चे बालगिरी के कमरे में लगी खिड़की की ग्रिल काटकर बगल में बन रहे बिल्डिंग के सहारे नीचे उतरे और फरार हो गए हैं। इस घटना की सूचना फिलहाल तिलैया थाना को दे दी गई है। सूचना पाकर कोडरमा पुलिस तीनों बच्चों की तलाश में जुट गई है। बाल सुधार गृह से बच्चों के भागने की सूचना के बाद कोडरमा प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा डुंगडुंग बाल सुधार गृह पहुंची और मामले की जांच की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भी सौंपी जाएगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि कोडरमा बाल गृह से बच्चों के भागने की खबर सामने आई हो। इससे पहले भी इस बाल गृह से बच्चों के भागने का मामला कई बार प्रकाश में आया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रेनिंग देने की मांग पर 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं सिमडेगा के नवचयनित होमगार्ड जवान। सिमडेगा जिले के नवचयनित होमगार्ड के जवान पिछले 24 दिनों से नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। नवचयनित होमगार्ड के जवानों ने मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। धरना पर बैठने के क्रम में कई तरह की परेशानियों का सामना भी नवचयनित महिला पुरुष होमगार्ड के जवानों को सामना करना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे नवचयनित होमगार्ड के जवानों ने कहा है कि विज्ञापन निकालकर उन लोगों का चयन किया गया है, लेकिन चयन के बाद से उनका प्रशिक्षण नहीं कराया गया है। प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वे लोग आगे की सेवा में नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
हजारीबाग व्यवसायी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त। हजारीबाग के व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद के घर दिल्ली इनकम टैक्स की टीम ने 60 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान 2,30,00,000 रुपए नकद, 60,00,000 के गहने, 9 बैग कागजात और कई संपत्ति के दस्तावेज आयकर विभाग की टीम ने जब्त किया है। बता दें कि 16 अगस्त सुबह 5:30 बजे से 18 अगस्त को शाम 5:35 तक लगभग 60 घंटे आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी किया। 16 सदस्य छापेमारी टीम में आयकर अधिकारियों ने सभी टैक्स चोरी से संबंधित जानकारी एकत्रित किया। राजेंद्र प्रसाद के आवास से बरामद संपत्ति के कागजात आयकर विभाग की टीम अपने साथ दिल्ली ले गई। 15 दिनों तक सभी संपत्ति संबंधित दस्तावेजों की जांच आयकर विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। वही आयकर विभाग के अधिकारियों ने व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद को 22 अगस्त को दिल्ली आयकर विभाग का कार्यालय दिल्ली बुलाया है। झारखंड में 6 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। पूर्वार बने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा को मिला महिला बाल विकास का जिम्मा। झारखंड सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। उनमें 2 अपनी पोस्टिंग के इंतजार में थे। राज्य सरकार की कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे आईएएस अधिकारी राहुल कुमार पूर्वार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही प्रतीक्षारत जो है चंद्रशेखर को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वही अबू बकर सिद्दकी को झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिद्दकी फिलहाल कृषि पशुपालन एवं सहकारिता के सचिव होने के साथ खान विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में हैं। वही अविनाश कुमार को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वह झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। जबकि कृपानंद झा को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 सातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। 15 मोबाइल और 23 सिम कार्ड बरामद। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग का उद्भेदन करते हुए पथरडा थाना अंतर्गत अलग अलग जगहों से 14 जो है सातिर साइबर अपराधियों को दबोचा है। पुलिस ने सभी को खेत बहियार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 15 मोबाइल फोन और 23 सिम कार्ड जब्त की है। बताया जा रहा है कि लोग मैसेज के माध्यम से कैशबैक का लालच देते थे। एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट, ई वॉलेट, गूगल के रिमोट एक्सेस ऐप को डाउनलोड कर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर इनके द्वारा लोगों से जानकारी ले ली जाती थी। फिर बड़ी चालाकी से उनके खाते से रकम ट्रांसफर कर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल फोन और 23 सिम कार्ड बरामद की है। 8 दिनों के ईडी रिमांड पर अधिवक्ता राजीव कुमार, पंकज मिश्रा व बच्चू यादव की भी हिरासत अवधि बढ़ी। कोलकाता में 50,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की रांची के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। कोर्ट ने ईडी को 8 दिनों के पुलिस रिमांड पर राजीव कुमार को दिया है। दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बच्चू यादव की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इसके अलावा जेएमएम नेता पंकज मिश्रा का मेडिकल रिपोर्ट भी भेजा है। कोर्ट ने दोनों की हिरासत अवधि बढ़ा दी है। रांची के चप्पे चप्पे की हो रही निगरानी। सीसीटीवी कैमरे को कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर से किया गया अटैच। अब राजधानी रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। रांची के हर चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर से अटैच किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ साथ अपराध पर भी नियंत्रण किया जा सके। यह सेंटर न केवल ट्रैफिक सिस्टम पर नजर रखता है, बल्कि मुसीबत के समय सहायता करने के लिए तैयार रहता है। राजधानी रांची में निगरानी का काम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कर रहा है। धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में बने इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हर वक्त लोग राजधानी की गतिविधि पर नजर रखते हैं। 165 करोड़ की लागत से तैयार इस कंट्रोल सेंटर के जरिए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए रांची के वीआईपी इलाके से लेकर सामान्य सड़कों पर रात दिन नजर रखी जाती है। बूढ़ा पहाड़ में 4 साल बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू। झारखंड और छत्तीसगढ़ की 40 कंपनियां तैनात। झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ है, जहां साल 2018 से नक्सलियों के खिलाफ अभियान बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में झारखंड और छत्तीसगढ़ की 40 से अधिक कंपनियां तैनात की गई है। इसमें कोबरा, जगुआर, सीआरपीएफ, आईआरबी और जैप और जिला बल के जवानों को तैनात किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान की
मॉनिटरिंग झारखंड पुलिस मुख्यालय कर रही है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के टॉप अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। टॉप माओवादी कमांडर मिथिलेश मेहता की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण करने वाले विमल यादव ने सुरक्षा बलों को कई जानकारी दी है। इसके बाद अभियान शुरू किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के बहरा टोली और छत्तीसगढ़ के भुताही नाला से अभियान शुरू किया गया है। कोर्ट फीस बढ़ाने के मामले में सरकार नहीं दे पाई झारखंड हाई कोर्ट में जवाब, 23 अगस्त को अब अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में गुरुवार को कोर्ट फीस से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत में सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया। इससे अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश गुरुवार को सुनवाई हुई। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से कोर्ट फीस बढ़ाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा रद्द, जेएसएससी निकाली गई नई बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है। इससे पहले 29 अप्रैल को यह परीक्षा स्थगित करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल माह में ही राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारियों के 727 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। में 701 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। अब कुल 737 पदों के लिए नई बहाली निकाली जाएगी। इसमें 10 पद जोड़े भी गए हैं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने नई बहाली के लिए फिर से जो है अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। निदेशक जो है प्रशिक्षण नेहा अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। जमशेदपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार मर्डर मामले में 15 को फांसी, 7 को 10 साल की सजा। 3 साल पहले एक कैदी को मार डाला था। झारखंड के जमशेदपुर के परसोडी स्थित घागीडी सेंट्रल जेल में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 7 अन्य आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे चार राजेंद्र सिन्हा ने गुरुवार को यह सजा सुनाई है। मामला मनोज सिंह की जेल में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। मामला 3 साल पुराना है। विवाद जेल में लगे टेलीफोन बूथ से कॉल करने को लेकर हुआ था। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गिरोह के सदस्य हरी सिंह के साथ दूसरे गैंग के पंकज दुबे के बीच विवाद शुरू हुआ था। अखिलेश सिंह के साथ ही सुमित सिंह, मनोज कुमार सिंह समेत अन्य लोगों ने पंकज दुबे की पिटाई कर दी। इसके विरोध में सजाए फता कैदियों ने हंगामा करते हुए हरी सिंह गुट पर हमला कर दिया था। इसी दौरान मनोज सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। झारखंड में सियासी भूचाल की आहट, विधानसभा अध्यक्ष व झामो विधायक का कनाडा यात्रा रद्द। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 20 से 26 अगस्त को हेलीफैक्स कनाडा में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 65वीं बैठक में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा सचिवालय ने उनके दौरे की तैयारी पूरी कर रखी थी, लेकिन दौरा अंतिम समय में स्थगित हो गया। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक व्यक्तिगत कारणों से विधानसभा अध्यक्ष बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में सूखे स्थिति को देखते हुए उन्होंने विदेश दौरे पर जाने से परहेज किया है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंझगांव के विधायक निरल पूर्ति ने भी अपना दौरा टाल दिया है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल गोमिया के आसू विधायक लंबोदर महतो अकेले बैठक में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ने अपना दौरा टाल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की हाईकोर्ट और निर्वाचन आयोग में सुनवाई चल रही है। ऐसे में कोई भी फैसला आ सकता है जिसका असर पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष समेत झामुमो विधायक की मौजूदगी आवश्यक होगी। धनबाद के निरसा में हुआ भूधसान, कोई हताहत नहीं। ड्रिल मशीन हुई डैमेज, स्थानीय लोग के आने जाने पर लगाई रोक। धनबाद जिले के निरसा के पंचायत ओपी अंतर्गत BCCLCV एरिया के दहीबाड़ी परियोजना के पास गुरुवार तड़ाके जमीन फट गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वहां खड़ी एक ड्रिल मशीन भूधसान की चपेट में आ गई। हालांकि मशीन जमीन दोज होने से बच गई। घटना सुबह 5 बजे के आसपास की है। घटना के समय ड्रिल मशीन ऑपरेट करने वाला कोई व्यक्ति उस पर सवार नहीं था। इस घटना के बाद से बड़े भूभाग में दरार आने के साथ जमीन धंसने से पूरा इलाका खोखला नजर आ रहा है। मिट्टी धंसने की वजह से करीब 500 मीटर के दायरे में गहरी खाई बन गई है। हादसे के बाद परियोजना के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लोग सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वहां आने जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया है।
मुख्य सचिव ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, जल्द होगी सुखाड़ को लेकर बैठक। झारखंड में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बैठक की। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। योजना विकास की इस बैठक में कार्मिक, स्कूली शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि सहित विभिन्न विभागों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सुखाड़ को लेकर भी चर्चा हुई। उच्च न्यायालय ने हटाई प्रमोशन पर लगी रोक, कहा सरकार दे सकती है विभागों में प्रोन्नति। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटा ली है। उच्च न्यायालय में प्रमोशन के संबंध में श्रीकांत दुबे और अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान यह मौखिक आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कार्मिक एवं राजभाषा विभाग के सचिव की ओर से जवाब दाखिल किया गया, जबकि डीजीपी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। मामले में अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान एसटी एससी कर्मचारी संघ और अन्य की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर भी कोर्ट का ध्यान उत्कृष्ट कराया गया। ब्राउन शुगर और देसी कट्टा के साथ तीन युवक गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सरायकेला जिले के राजनगर थाना के पास एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 146 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक देसी कट्टा के साथ तीन युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया है कि यह तीनों अभियुक्त जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर से राजनगर के रास्ते चाईबासा की ओर एक सफेद रंग की टाटा मैजिक वैन में ब्राउन शुगर ले जाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम को तैनात कर दिया गया और एंटी क्राइम चेकिंग भी शुरू कर दी गई। चेकिंग के दौरान राजनगर थाना के पास से वैन से तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 146 ब्राउन शुगर की पुड़िया और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। रांची सांप्रदायिक हिंसा की सीबीआई जांच संभव, झारखंड हाई कोर्ट का कड़ा रुख। पुलिस जांच से कोर्ट असंतुष्ट, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में रांची में हुई हिंसा की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब पर एक बार फिर असंतोष जताया है। अदालत ने एसएसपी और थाना प्रभारी से संबंधित फाइल को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही हिंसा के दौरान रांची में दर्ज 31 प्राथमिकी की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने गृह सचिव और डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि इस मामले की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, सिर्फ एक मामले को ही सीआईडी को सौंपा गया है, ऐसे में क्यों नहीं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अदालत ने उक्त बातें तब कही जब एनआईए की ओर से कहा गया कि यूएपीए एक्ट के उल्लंघन का मामला नहीं पता है, अभी इस मामले की जांच एनआईए नहीं कर सकती है। सरकार की ओर से जो अपर अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा। राज्य में एक साथ सभी नगर निकायों का चुनाव कराने की तैयारी, नए परिसीमन के लिए सरकार ने मांगी रिपोर्ट। राज्य में अगले वर्ष फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना है, जिसके लिए नगर विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर चुनाव नए परिसीमन के तहत होने की संभावना है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी प्रारंभ की गई है। विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से तैयार नगर निकाय क्षेत्र निर्वाचन नियमावली को भेजा गया है। सरकार द्वारा की जा रही तैयारी के अनुसार वार्डों का पुनर्गठन किया जा सकता है, इसके लिए हर नगर निकाय से रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्री आलमगीर आलम कहते हैं कि सरकार पंचायत चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव के लिए भी तैयार है, आयोग तय करे कि चुनाव कब कराने हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।